बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में बाप ने की बेटे की हत्या, कहासुनी के बाद चाकू से किया वार, युवक की 7 महीने पहले हुई थी शादी। बिजनौर के कासीराम कॉलोनी में सोमवार को नशे की हालत में मामूली विवाद के चलते एक पिता ने अपने बेटी की चाकू से वार कर हत्या कर दी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की 7 महीने पहले शादी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित कासीराम कॉलोनी का है। कासीराम कॉलोनी के रहने वाले चतर सिंह और उसके बेटे अक्षय उम्र 20 वर्ष के बीच देर रात किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते आरोपी पिता ने अपने बेटे पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अक्षय को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अक्षय की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि अक्षय की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी और वे मजदूरी करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई। शहर कोतवाल उदय प्रताप ने बताया कि शराब के नशे में बाप बेटों में विवाद हुआ है, जिसके चलते पिता ने बेटे पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद बिजनौर की सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। क्या मामला हुआ है बताइए? शराब के नशे में थे दोनों। कौन कौन? हमारा साला और ससुर साहब। फिर क्या हुआ? नशे में दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। ससुर साहब के हाथ में चाकू था, वो चाकू लड़के को मार दिया। तो अस्पताल लाए थोड़ी देर बाद में। आपस में क्या लगते हैं दोनों? ये बाप बेटे। बाप बेटे हैं। बाप ने बेटे के मारा है। अच्छा, कुछ वजह थी क्या, मतलब क्यों मारा? कुछ नहीं, नशा था, बस नशा दोनों ने कर रखा। कोई विवाद हुआ था इनमें, झगड़ा हुआ था? वही नशे के बारे में विवाद रहा हो। क्या मौके पे मौत हो गई? अस्पताल ले आए थे जी, थोड़ा समय अस्पताल में इलाज के दौरान ही रहा, उसके बाद एक्सपायर हो गया। अच्छा, ये क्या करते थे जिनकी मौत हुई है? ये बस ऐसे ही थोड़ा जैसे मतलब मजदूरी टाइप कुछ इस तरह के काम। अवगत कराना है कि आज दिनांक 11 तारीख को रात्रि 1:30 बजे थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि कासीराम कॉलोनी में एक पिता पुत्र शराब पीकर आपस में झगड़ गए हैं। पिता ने अपने बेटे अक्षय को चाकू मार दी है। इस घटना को पुलिस के द्वारा अटेंड किया गया। बेटे अक्षय की दौरान उपचार जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। घर वालों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।